हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का। प्लांट हार्मोन हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम प्लांट डिजीज करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था आज हम तीन चार चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। प्लांट हार्मोन, प्लांट डिजीज, उसके बाद इकोलॉजी, उसके बाद नाइट्रोजन साइकिल वगैरह। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लांट डिजीज के बारे में। डिजीज फंगस के बेसिस पे कौन कौन होता है, बैक्टीरिया के बेसिस पे डिस्कस करेंगे, बैक्टीरिया के कारण, फंगाई के कारण, उसके बाद वायरस के कारण। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या रखना है, किसी डिजीज का नाम देखेंगे और डिजीज से होता क्या, तीन चीज़ आती है, डिजीज से होता क्या है, कौन सा वायरस काम करता है, और उस डिजीज के हो जाने से उस प्लांट में क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या उसके लिप्स दिखने लगती है कुछ जली जली, या उसका साइज छोटा हो जाता है, या क्या होता है, फ्रूट पे कोई असर पड़ता है, ये सब हम देखेंगे। तो प्लांट हार्मोन हम डिस्कस कर चुके हैं, तो प्लांट हार्मोन में सारा हमने डिस्कस किया था। क्लियर? प्लांट हार्मोन में कोई भी डाउट अब नहीं रह गया, तो प्लांट हार्मोन हो गया। हम डिस्कस करेंगे, अब डिस्कस करेंगे प्लांट डिजीज। तो डिस्कस करते हैं प्लांट डिजीज में तीन डिजीज का याद रखना है, वायरस के बेसिस पे, उसके बाद बैक्टीरिया के बेसिस पे, फंगाई के बेसिस पे, ये सब, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है बॉटनी के लिए रिलेटेड। क्लियर? उसके बाद हम इकोलॉजी डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस पर्टिकुलर नंबर पे मैसेज कर लें, 9582062485। आप व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो, कुछ भी। क्लियर? आप उसके अलावा सेम नंबर पे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, यूपीआई, गूगल पे, पेटीएम वगैरह से, ताकि हम कुछ जो भी आप कंट्रीब्यूशन देते हो और उसका स्क्रीनशॉट सिंपल फिर मेरे नंबर पे आप भेज सकते हो। तो उससे ये फायदा होगा कि आपका जो कंट्रीब्यूशन मिलेगा, आप लोग थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा, मतलब मिनिमम, मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, जितना आप दोगे उसका जितना भी कंट्रीब्यूशन आता है वो सिर्फ और सिर्फ मैं आपके इस एनसीईआरटी चैनल, जोन वाले चैनल पर लगाता हूँ। क्लियर? तो लगाऊंगा, ठीक है? उसका मैं पर्सनल यूज के लिए 1 रुपया भी उसमें से नहीं लेता हूँ। और इवन इवन जितने भी, क्योंकि आपको पता है इतने कम सब्सक्राइबर में एडसेंस पे उतने आते नहीं हैं, तो जितने भी मेरे आए हैं, जितने भी आते ही रहते हैं, वो मैं इसी चैनल पे लगाता हूँ। इसी चैनल पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ इंस्ट्रूमेंट खरीद लिया, ताकि आपके वीडियो, क्योंकि मुझे अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए कहीं और से मेरी है थोड़ी इनकम। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं फिर, मतलब सॉरी, स्टार्ट करते हैं। प्लांट डिजीज के बारे में डिस्कस करते हैं। प्लांट डिजीज में वायरल के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वायरल डिजीज के बारे में डिस्कस करते हैं। वायरल डिजीज में सबसे पहले आपको है मोजाइक, दो ही याद रखें, और बंची टॉप बनाना, ध्यान देना। दोनों का काम क्या है, हमारे पत्तों को खराब कर देता है, हमारे पत्तों को बिल्कुल बेकार कर देता है। तो मोजाइक डिजीज के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले मोजाइक डिजीज होता किस में, टोबैको में। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि आपसे सिंपल पूछेगा कि मोजाइक डिजीज जो है वो कहाँ पे मिलता है, टोबैको में। टोबैको में, क्लियर? इसमें क्या होता है, जो पत्तों, देखो पत्ते कैसे श्रिंक हो गया है, एकदम जो फैला रहना चाहिए एकदम श्रिंक हो गया है। क्लियर? और पता है मेन प्रॉब्लम क्या हो जाता है, इस पत्तियों का क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो गया। आप खुद ही समझ दो, जब इस पत्तियों का क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो गया, इस पत्तियों से खाना बनाने की औकात नहीं है, तो इस पत्ती, ये पत्ती, ये प्लांट जिंदा कैसे रहेगा, प्लांट तो मर जाएगा ना। और ये पता है क्योंकि वायरल डिजीज है, तो कांटेक्ट से एक प्लांट से दूसरे प्लांट में फैल भी सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल करने के लिए आप जिस प्लांट में हो उस प्लांट को जला दो। क्लियर? और क्या क्या है, द फैक्टर ऑफ डिजीज इज टोबैको मोजाइक वायरस नोन एज बैक्टीरियोफैग। भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले एक आपको इस पॉइंट के बारे में पता होगा, मैंने जब बैक्टीरिया के बारे में बताया था, बैक्टीरियोफैगी, बैक्टीरियोफैगी का मतलब ऐसा वायरस जो इवन बैक्टीरिया को मार देता है। ध्यान देना, ध्यान देना, ऐसा वायरस, ध्यान देना, बैक्टीरिया और वायरस दोनों पैथोजोन्स हैं, दोनों हमें बीमारी फैलाते हैं, लेकिन वायरस बैक्टीरिया को भी मार देता है, उसको हम बोलते हैं ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को मार देता है, उसको हम बैक्टीरियोफैगी बोलते हैं। क्लियर? तो इस बारे में हम क्या, एक और, द फैक्टर ऑफ दिस डिजीज इज टोबैको मोजाइक वायरस। नाम आपको वायरस का नाम याद होगा, टोबैको मोजाइक वायरस,
क्लियर। ये क्या है, बैक्टीरियोफैगी है, याद हो गया। उसका इसके कारण होता क्या है, मैंने जो याद किया कराया आपको वो याद रखना है। सबसे पहले उसके कौन से वायरस के कारण होता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है वायरस के कारण होता है कि फंगाई कि बैक्टीरिया। तो मोजाइक डिजीज किसके कारण होता है, सबसे पहला क्वेश्चन है वायरस के कारण। किस वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस। क्लियर, टोबैको मोजाइक वायरस को और क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफैगी। क्लियर। सेकेंड क्या हम बोल लेंगे कि इसके कारण प्रॉब्लम क्या हो जाता है, क्या प्रॉब्लम हो जाता है, जो हमारा लीव्स है वो सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ने के साथ छोटा हो जाएगा, छोटा होने के साथ वो क्या होगा, उसका क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो गया। जैसे ही लीव्स का क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हुआ, उसकी औकात खत्म हो गई, उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई खाना बनाने की, वो ऐसे ही डेथ हो जाएगा। लेकिन ये क्योंकि आपको पता है वायरस कॉन्टेक्ट से फैलता है, तो इसके कारण क्या किया जाता है, इस प्लांट को जला देते हैं, जो अफेक्टेड प्लांट होता है उसको जला दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है, बंची टॉप ऑफ बनाना। जो बनाना का जो बंची टॉप है, टॉप जितने भी देखो, जितने ही पत्ती, उसका टॉप कित क्या हुआ, सारे टॉप क्या हो रहे हैं, खराब हो गए, बंची टॉप। तो ये डिजीज होता किसके कारण है, तो आपको सिंपल आप बता सकते हो, बनाना वायरस के कारण होता है। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि आप तो सिंपल आंसर बता दोगे। इन दिस डिजीज प्लांट बिकम ड्वार्फ, एक तो छोटा हो गया प्लांट, और लिप्स जो होता है एकुमुलेट हो जाता है, लाइक अ रोज ऑन ए ब्रांच। मतलब लिप्स जो होता है, पत्तियां एकुमुलेट हो जाती है। देखो एक तो पत्तियां जो फैली होती है ना, ऐसे फैला हुआ नहीं होता, इस एक तो सिकुड़ जाता है और ऊपर से सूखने लगता है जो टॉप में। और साइज देखो ना, कितना इतना छोटा थोड़ी होना चाहिए। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक प्लांट जो दूर खड़ा है वो कितना लंबा है, ये देखो उसके सामने कितना छोटा है, जबकि आप कैमरा में इसको पास से लिए हुए हैं। मैं नहीं लिया हूँ एक्चुअली, गूगल पे डाला हुआ, तो आप देख रहे हो ना। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछेगा क्या एग्जाम में, पूछेगा क्या, एक तो सिंपल ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, बनाना वायरस नहीं, आप सब बता दोगे। इससे होता क्या है, इससे होता है एक तो प्लांट ड्वार्फ रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, और लिप्स जो होता है एकुमुलेट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट है बैक्टीरिया के द्वारा कौन होता है, उसके बाद हमें डिस्कस करना है फंगाई के द्वारा क्या करता है। बैक्टीरिया के द्वारा क्या है, पोटैटो में विल्ट लग जाता है। आप देख लो, ऐसे पोटैटो नहीं खराब हो जाता है, थोड़े स्पॉट हो जाते हैं दाग टाइप का, बीच में रिंग, इसको बोलते हैं रिंग टाइप का। नेक्स्ट है ब्लैक आम, जो कॉटन पे हो जाता है। क्लियर, ये कॉटन की पत्ती है, उसमें ब्लैक आम। नेक्स्ट है राइस पे, राइस जो है राइस पे ऐसे पत्ती सी थोड़ी सूख जाती है। उसके बाद साइट्रस कैंकर, जो साइट्रस फ्रूट नहीं होते, नींबू वींबू, उस पे ऐसे ऐसे दाग लग जाते हैं, आप देख रहे हो। उसके बाद टुंडू डिजीज, जो वीट पे थोड़ा टुंडू, देख रहे हो रहना चाहिए ना सीधा आराम से, देखो एक तो सिकुड़ गया है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, दाग वगैरह टाइप के लग जाते हैं। तो एक एक करके हम डिस्कस कर ले, एटलीस्ट इससे ये तो पता चलेगा कौन कैसा दिखता है। क्लियर, भले ही मैं ध्यान देना, मैं बुक से करा रहा था, मैं पीपीटी बना रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम ठीक ही ना भाई, और क्योंकि उतना उतना मतलब बहुत सारा काम रहता है, क्योंकि मेरा भी एग्जाम आने वाला है, तो इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि बुक से ही करा दो, इतना फिगर डाल दिया ना, आपको सब कुछ दिख रहा है। क्लियर, देखो विल्ट ऑफ पोटैटो, इसको हम रिंग डिजीज भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, रिंग डिजीज। क्लियर, यहाँ पे होता क्योंकि ब्राउन रिंग आ जाते हैं जाइलम में, जाइलम में। क्लियर, जाइलम में, किसके जाइलम में, क्योंकि आपको पता है पोटैटो एक टाइप का स्टीम है, पोटैटो एक टाइप का स्टीम है ना, तो जाइलम कहाँ पे लग जाते हैं, स्टीम पे लग जाते हैं। और क्या, द फैक्टर ऑफ दिस डिजीज, किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो आप देख लो स्यूडोमोनास, पहले याद रखो स्यूडोमोनास। उसके बाद देखो, जब भी ऐसा हार्ड वर्ड हो ना, आप इसको ब्रेक करके रीड करने कर सकते हैं, खासकर बायोलॉजिकल वर्ड को। सोलोनासेरम, ऐसे बोल सकते, सोलोनासेरम, स्यूडोमोनास सोलोनासेरम बैक्टीरिया। इसमें होता क्या, इन दिस डिजीज कंडक्शन सिस्टम ऑफ प्लांट, मतलब कंडक्ट कर लेते हैं, नीचे से आ जाती है प्लांट में डिजीज और इफेक्ट हो जाते हैं। आप देख रहे हो कहाँ पे हो रहा है, विल्ट ऑफ पोटैटो, पोटैटो में रिंग डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट है ब्लैक आम ऑफ कॉटन, कॉटन में क्या होता है, ब्लैक आम, ऐसे ऐसे आम जो होता है ना, जो क्योंकि रहना चाहिए तो ग्रीन कलर, आप देख रहे हो कैसे ब्लैक ब्लैक हो गया। तो द फैक्टर ऑफ दिस डिजीज गैंथोमोनस बैक्टीरिया, आप याद रहे हो गैंथोमोनस बैक्टीरिया। ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन क्या होता है, गैंथोमोनस बैक्टीरिया। इस डिजीज में क्या होता है,
वाटर बॉडी इज फॉर्म्ड ऑन द लिप्स, वाटर बॉडी यानी ब्राउन लिप्स हो जाते हैं, बनने लगता है पत्तियों पे, किसके, कॉटन के पत्तियों पे। अब राइस में कौन सी बीमारी हो जाती है, बैक्टीरियल प्लाइट हो जाती है, बैक्टीरियम प्लाइट। और इसमें भी जो बीमारी होती है किस बैक्टीरिया के कारण होती है, इसी की फैमिली के, बस उसका थोड़ा सा अलग मेंबर अलग है, फैमिली सेम है, गैनोथोमस ऑग्जीजे बैक्टीरिया, गैनोथोमस ऑग्जीजे बैक्टीरिया। इसमें येलो ग्रीनिश स्पॉट हो जाते हैं दोनों साइड ऑफ लिप्स के, यहाँ पे देख रहे हो दोनों साइड के पत्ती में। वैस्कुलर बर्डन गेट ब्लॉक ड्यू टू द बैक्टीरियल ग्रोथ, वैस्कुलर ध्यान देना, जिससे वैस्कुलर, आपको पता है वैस्कुलर टिश्यू क्या होता है, जिसमें जिससे क्या होता है सामान इधर से इधर होता है, वाटर और फूड प्रोडक्ट। लेकिन अगर यही बंद होगा तो ऑब्वियसली सूख जाएगा, क्लियर ना, सूख जाएगा कि नहीं वो बताओ। तो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, क्यों, बैक्टीरिया इतना ज़्यादा ग्रोथ कर रहता है किसमें, राइस में, क्लियर, हमें समझ है। विल्ड ऑफ पेटेटो को रिंग डिजीज भी बोलते हैं, कहाँ पे बनता है, जाइलम पे बनता है, और कंडक्शन सिस्टम के द्वारा ये प्लांट अफेक्ट हो जाता है, कौन सी बैक्टीरिया है, स्यूडोमोनास सोलोना सेरम बैक्टीरिया। उसके बाद ब्लैक आर्म जो कि कॉटन के प्लांट पे लग जाते हैं, इसमें जो बैक्टीरिया काम करती है उसका नाम है जैंथो मोनस बैक्टीरिया। लेकिन राइस पे जो लगते हैं सेम फैमिली के, जैंथोनोमस ऑर्जी ऑर्जी बैक्टीरिया, ऑरिजे ऑरिजे बैक्टीरिया। और नेक्स्ट है साइट्रस कैंकर, साइट्रस कैंकर में क्या होता है, द फैक्टर ऑफ दिस डिजीज इज सेम, वही है पुराना वाला ही, जैनोथोनस गैंथोमोनस, सॉरी गैंथोमोनस साइट्री, क्योंकि साइट्रस फूड पे लगता है ना, तो साइट्री बैक्टीरिया बोलते हैं। और ओरिजिन ये कहाँ से हुआ था, चाइना से हुआ था, और कहाँ कहाँ पे फैलता है, लीव्स में, पत्तियों पे, ब्रांचेस पे, फ्रूट पे, क्लियर है ना। नेक्स्ट है टुंडू डिजीज ऑफ वीट, वीट पे टुंडू डिजीज, टुंडू 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 का मतलब ऐसे बोलते ठुंडू टाइप का होता है, ठुंडू मतलब थोड़ा छोटा बोलते हैं ना, ऐसे ही कुछ वर्ड होता है ना, टेंगू, हाँ टुंडू डिजीज होता है जो वीट का। इस फैक्टर क्या है, द फैक्टर ऑफ दिस डिजीज इज कोरिनो बैक्टीरियम टिट्रिकी बैक्टीरिया, ध्यान देना, कोरिनो कोरिनो बैक्टीरियम टिट्रिटी डिजीज, और इसको एक और है एंजूनिया टिट्रिकी नेमाटोड, ध्यान देना एंजूनिया टिट्रिकी नेमाटोड। भाई टिट्रिकी जैसे याद है ना, समझ देना वीट में हो रहा है, टिट्रिकी टिट्रिकी नाम से पता था, वो छोटा छोटा कुछ वर्ड है ऐसे। इन दिस डिजीज लोअर पार्ट ऑफ द लिप्स आर फैडेड एंड टर्न, लोअर पार्ट जो होता है लिप्स के, ये पार्ट लोअर पार्ट ये, क्लियर, फैडेड हो जाता है और टर्न हो जाता है, मुड़ जाता है भाई, मुड़ गया। अब नेक्स्ट है फंगल डिजीज, फंगल डिजीज द डिजीज इंक्लूडेड इन दिस स्क्रिप्ट किसके द्वारा था, फंगाई के द्वारा, क्लियर है ना। अब वीट पे रस्ट लग जाते हैं किसके द्वारा, फंगी प्यूसीनिया के द्वारा, ध्यान देना वीट पे कैसा लग गया, गंदा तरफ से नहीं लग रहा है, रस्ट टाइप का लग गया किस पे, वीट पे, जिसको आप कौन सी फंगी के द्वारा बोलते हैं, प्यूसीनिया। आपसे सिंपल पूछ सकता है रस्ट ऑफ वीट, वीट पे जो रस्ट लग जाते हैं किस डिजीज के द्वारा होता है, तो बोलोगे प्यूसीनिया के द्वारा। कौन सी, देखो कौन सी किसके द्वारा होता है, कौन सी पैथोजेंस के द्वारा होता है, फंगाई बैक्टीरिया वायरस, तो फंगाई, कौन सी फंगाई, प्यूसीनिया, याद हो गया ना। नेक्स्ट है डैम्पलिंग, सॉरी डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग इज कॉज बाय फंगस पाइथियम डेब्रिनम, ध्यान देना यहाँ पे जो है, अब देख लो सीड्स का निकला और टिल्ड हो गया, सीड निकला टिल्ड हो गया, तो ये किसके कारण हो गया, ध्यान देना डैपिंग ऑफ सीडलिंग इज कॉज बाय फंगस पाइथियम डेब्रिनम, ध्यान देना फंगस पाइथियम डेब्रिनम। और यहाँ पे जो हमारा शुगर केन में रेड रॉट लग जाता है, इतना अजीब लगता है, जब हम लोग गांव में रहते थे जो शुगर केन तोड़ के खाते थे, तो उसमें जिसमें किसी में जो हम लोग तोड़ते थे और खाते खाते पता चले ओ ये दिख गया, इतना इतना इसका अजीब टेस्ट हो जाता है ये वाला, मतलब आप खा ही नहीं सकते, मतलब आप खा के मतलब बहुत अजीब टेस्ट हो जाता है, तो आपको फिर बाहर से भी दिखने लगेगा, बाहर से भी है ना काटा हुआ है लेकिन बाहर से दिखने लगेगा, और तो फिर बहुत बेकार लगता था देखने में भी, आपको बाहर से भी पता चला ओ अंदर कोई बीमारी है। शुगर केन किसके द्वारा होता है, फंगस कोलेक्ट्री कम कोलेक्टोरी, बाप रे बाप, कोलेक्टोरिट्री कम फैलकेटम, बाप बहुत बहुत टफ वर्ड है, आप देख लेना, मतलब थोड़ा सा याद रहना, कलेक्ट कलेक्ट वाला कोई वर्ड याद आ जाएगा ना, या कैटम वाला, फैल कैटम वाला वर्ड आ गया तो हम शुगर केन लगा देंगे।
क्लियर, थोड़ा बस मतलब याद आना चाहिए, याद आ जाना चाहिए, मतलब पूरा थोड़ी हम याद कर लेंगे। आपको पता है आर्ट एंड कल्चर का वर्ड या बायोलॉजी का वर्ड, इवन जो लोग बायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है, जो 10th की बायोलॉजी पर हैं जैसे मेरे जैसे लोग, तो उनको बहुत टफ होता है, बहुत ज़्यादा। ये तो चलो गूगल पे टाइप करो, फिगर देखो तो पता चला हाँ क्या काम है। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, क्योंकि मुझे भी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं बायोलॉजी के बारे में, मुझे जितना जा पता है और मैं ट्राई करता हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा जानने का है, तो इसलिए वो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। क्लियर। अब जो कुछ ऐसे डिजीज है जो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की कमी के कारण होते हैं, जैसे ध्यान देना, मैंगो की लीफ या मैंगो या बैंगन की जो लीफ होती है छोटी हो जाती है, लिटिल लीफ उसको बोलते हैं, वो जिंक के कारण, जिंक की कमी के कारण होती है, तो इसलिए जो फर्टिलाइजर में जिंक डाला जाता है। डाइवेक, लेमन में जो डाइवेक होता है वो कॉपर के कारण होता है। लेमन में जो ध्यान देना, अब कन्फ्यूज मत होना, लेमन में दो बीमारी होती है, या तो डाइवेक या तो लिटिल लीफ, दोनों कॉपर की कमी के कारण। तो लेमन में तो आपको कॉपर डालना पड़ेगा, लेकिन लिटिल लीफ अगर मैंगो और ब्रिंजल में हो तो जिंक के कारण, लेकिन लिटिल लीफ अगर लेमन में हो तो कॉपर के कारण। नेक्स्ट है पी, पी में अगर मार्स डिजीज होती है मैगनीज के कारण, मैगनीज अगर वहां पर रहेगा तो नहीं होगी। ब्लैक हार्ट डिजीज हो जाती है पोटैटो में ऑक्सीजन के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण, ध्यान देना यह में डिफिशियंसी है। माइक्रोसिस ऑफ आमला, आमला की माइक्रोसिस हो जाती है बोरोन के कारण। लीफ ऑफ लीची, ये में वर्न हो जाती है पोटेशियम की कमी के कारण। अगर मेज में व्हाइट बड आ जाती है, और खैरा डिजीज हो जाती है पैडी प्लांट में, वो भी जिंक की कमी के कारण। कोटर स्पॉट हो जाती है टर्निप में कैल्शियम और मोलिबेंडम के कारण, कोटर स्पॉट टर्निप में। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है बॉटनी से, मैंने ट्राई किया है कोई कुछ फिगर डालने का, और क्योंकि सबका तो नहीं डाल पाऊंगा, और मुझे लगा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो लोगों को आपको फिगर पता होना चाहिए। और ध्यान देना, सबसे लार्ज ध्यान देना, प्लांट किंगडम को हम दो पांच टाइप में डिवाइड किए थे, और उसमें सबसे जो लास्ट है जिसमें फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं, क्लियर, मतलब एक में सीड्स होता है और दूसरे में फ्रूट भी होता है, तो जो उसमें फ्रूट होता है उसको हम बोलते हैं एंगियोस्पर्म, और इसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। तो पहले देख लेते हैं एंगियोस्पर्म जो सबसे 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 डोमिनेंट है, सबसे ज़्यादा डोमिनेंट, उसमें लार्जेस्ट कौन है, यूकेलिप्टस। आप देखे हुए यूकेलिप्टस, हाथ में अगर उसको टच कीजिएगा तो ऊपर एक व्हाइट कलर का आपके हाथ में लग जाता, मेरे गाँव में था तो उसमें लग जाता था व्हाइट कलर, अगर आज पे चढ़ने का कोशिश कीजिएगा ना तो आपको पैंट पैर सब कुछ में लग जाएगा, क्लियर। उसके बाद लॉन्गेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड, ध्यान देना, ये मैं आपको बताया था पिछले वीडियो में, जिसको हम रेड वुड प्लांट भी बोलते हैं, कैलिफोर्निया का रेड वुड इतना लंबा है, पूरी दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है, क्लियर, मतलब इस क्या कहते हैं, इस प्रजाति का जो भी पेड़ है ना, ये सारे के सारे लंबे हैं, क्लियर। क्या बोलते हैं इसको, सिक्योरिया गाइगेंटियम, इसको हम सिंपल बोल सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया, यानी सिंपल आपसे पूछा जाता है कि सबसे लार्जेस्ट ट्री कौन सा है, तो इवन आपको रेड वुड भी ऑप्शन में आ सकता है, क्लियर। आप ऐसा नहीं बोलना कि भैया नहीं रेड वुड ऑप्शन में नहीं आएगा, आया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ, सिर्फ सिक्योरिया गाइगेंटम आएगा नहीं, ये तो साइंटिफिक नेम है, ये बहुत साइंटिफिक नेम, बहुत रेयर चांस आती है कि एग्जामिनेशन पेपर में ऑप्शन में आपको दिख जाए, ज़्यादातर चांस होती है कि आपको जो नॉर्मल नेम होते हैं, जो यूजुअल नेम होते हैं, वही आते हैं रेडवुड कैलिफोर्निया में, क्लियर। इसका हाइट है जिम्नोस्पर्म में, इसका हाइट 120 नहीं, वो इवन 200 के आसपास मीटर भी है। और सबसे स्मॉलेस्ट एंगियोस्पर्म कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट एंगियोस्पर्म प्लांट है लेमा, लेमा इस टाइप का है, क्लियर। एंगियोस्पर्म की बात कर रहा हूँ मैं, इसको यहाँ पे और दूसरे जिम्नोस्पर्म या और की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लियर, ब्रायोटेरिडो ये सब की बात नहीं कर रहा हूँ। दिस इज एक्वेटिक एंगियोस्पर्म है, व्हिच आर फाउंड इन इंडिया टू, इंडिया में मिलता है, एक्वेटिक है। और नेक्स्ट है प्लांट जिसका सबसे बड़ी पत्ती होती है, देख लो आप, हम बच्ची बैठी हुई है फिर भी ये हिल नहीं रहा है, क्लियर। तो इसका क्या नाम है, विक्टोरिया रेगिया, ध्यान देना इस पत्ती की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इस पर्टिकुलर, ये भी एक पत्ती है भाई, आप ये मत सोचना कि आप इस पत्ती की बात है, नहीं, पूरे पूरे लिप्स है, दिस इन एक्वेटिक प्लांट, इवन इवन वेस्ट बंगाल में ही मिलता है, विक्टोरिया रेगिया, क्लियर। अब नेक्स्ट तो स्मॉलेस्ट सीड कहाँ किसका है, सबसे ऑर्चिड्स का है, स्मॉलेस्ट फ्लावर किसका है, बोल्फिया का है, बोल्फिया का,
बहुत छोटा फ्लावर होता है, और लार्जेस्ट फ्लावर किसका है? रेफ्लेसिया अर्नोल्डी, ध्यान देना ये वाला, रेफ्लेसिया अर्नोल्डी, क्लियर। उसके बाद, और इसका डायमीटर लगभग 1 मीटर का होता है, वेट भी 8 किलोग्राम का होता है, इसमें लगता ही है हमें। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म पैरासाइट कौन से होते हैं? आर्क्यूटोबियम, क्लियर। और ये कहाँ पे मिलता है? जो पैरासाइट ऑन द स्टीम, जो जिम्नोस्पर्म वाले प्लांट होते हैं ना, जिसमें फ्रूट नहीं होते हैं, उसके उसके स्टीम में, उसके तने में मिल जाते हैं आपको। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म पैरासाइट, ध्यान देना, पैरासाइट है एंजियोस्पर्म, लेकिन वो मिलता कहाँ पे? जिम्नोस्पर्म में, आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा मेल कपलेट सबसे बड़ा किसका होता है? साइकस प्लांट का, ये वाला प्लांट है, एक जिम्नोस्पर्म प्लांट है, सीड से आपको देखने को नहीं मिलता है बाहर, वो वाला है, क्लियर। लार्जेस्ट सीड एक किसका? साइकस का है। एलाइफ फॉसिल को बोलते हैं, साइकस को बोलते हैं। स्मॉलेस्ट क्रोमोजोम किसका है? एलगाई का है। लार्जेस्ट क्रोमोजोम किसका है? ट्रिलियम का है। किस प्लांट का सबसे लार्जेस्ट नंबर, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है? किस प्लांट का सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है? ये एक ही लाइन है, जैसे उसका नाम है ऑफिगोग्लोसम, जिसको हम फर्न बोलते हैं, इसके पास 1266 होता है। आपको पता है ह्यूमन बॉडी के पास 46 होता है, क्लियर। और आपको पता है इवन नंबर में, इसलिए डिप्लोइड सेल में होता है। द प्लांट विद द लीस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम, किसके पास सबसे लीस्ट नंबर होता है, क्लियर। यहाँ पे ध्यान देना, आप इसको और इसको कन्फ्यूज मत करना कि यहाँ पे भैया स्मॉलेस्ट है, यहाँ पे लिस्ट है, भाई दोनों अलग अलग है। यहाँ पे क्रोमोजोम सबसे छोटा है, यहाँ पे सबसे कम नंबर ऑफ क्रोमोजोम कौन सा है? हेप्ला पेपोरस ग्रेसिलियस, हेप्ला पेपोरस ग्रेसिलियस। सबसे स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म प्लांट्स कौन है? जैमिया पिग्मिया, जैमिया पिग्मिया। ये मैं आपको बताया था जब मैं बॉटनी का पहला चैप्टर बता रहा था, जिम्नोस्पर्म वाला, तो ये भी बताया था, और ये भी प्लांट वहाँ पे बताया था, सॉरी ये भी, क्लियर। और उसके बाद क्या है? कार्निवोरस प्लांट कौन सा है? संड्यू, वेनस फ्लाई ट्रैप, या पीचर प्लांट, जो ऐसे नहीं होते जिसमें कीड़े मकोड़े पड़ते हैं और ये बंद हो जाता है, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, कार्निवोरस प्लांट। उसका द हैवीएस्ट वुडन प्लांट जिसका नाम है हार्ड वीचिया बिनाटा, आप ये तो याद हो जाएगा, हार्ड हार्ड यानी हार्ड वुड जिसके पास है। लाइटेस्ट वुडन प्लांट जो सबसे हल्का होता है, ओचरोमा लेगोपस बाल्सा, ध्यान देना इसमें मुझे भी बहुत, मुझे भी सारा याद नहीं है, क्लियर। तो मैं भी इवन इवन मेरा भी एग्जाम होगा तो इस वीडियो को मैं भी इवन देख, जितना भी बायोलॉजी में बताऊँ ना, बायोलॉजी जितना भी वीडियो बनाना, इवन इवन जो मैं वीडियो खुद बनाता हूँ ना, वो भी मैं भी रिवाइज उसी वीडियो से करता हूँ। थोड़ा स्पीड इंक्रीज कर दिया क्योंकि मैं खुद बनाया हूँ तो मुझे बहुत कुछ तो याद हो ही रहा है, तो मैं स्पीड कर देता हूँ 1.5 एंड 2, अभी ऐसा कर सकते हो, क्लियर। एक बारी वीडियो देख लिया तो दूसरे पर बार 1.5 यानी 2 पॉइंट या 2 पॉइंट x करके देख लेना, ठीक। नेक्स्ट है लाइटेस्ट वुडन प्लांट देख लिया। स्मॉलेस्ट सेल किसका है? माइकोप्लाज्मा गैलिस्पेटिकम, ये तो मैं बता चुका हूँ, माइकोप्लाज्मा गैलिस्पेटिकम। फ्रूट लाइक ए टेनिस बॉल, टेनिस बॉल लाइक का फ्रूट होता है, केंथ का। फायर ऑन द ऑफ द फॉरेस्ट, फायर ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का फायर किसको बोलते हैं? धक को, धक। कॉफी गिविंग प्लांट कौन कौन होता है? कॉफिया अरेबिका, कॉफी कॉन्टेनिनिट, मतलब कि एक ये आपने तो सुना होगा, कॉफी अरेबिका टाइप की कॉफी होती है, कॉफी देती है क्योंकि इसमें कैफीन होता है, कैफीन, क्लियर। कोकोआ गिविंग प्लांट इसका नाम क्या है? थियोब्रोमा कोकोआ, थियोब्रोमा कोकोआ। थियोब्रोमीन आर कैफीन कॉन्टेनिन। तो आपसे पूछेगा कि ऐसे प्लांट का नाम बताइए जिसमें आपको कोको मिलता है, जिस ऐसे प्लांट का नाम बताइए जिसमें कॉफ़ी मिलता है, तो आप बता सकते हो। मॉर्फिन क्या होता है? मॉर्फिन एक पेपावर सोमीफेरनम है, मॉर्फिन इसमें ऑप्टेन किया जाता है, और इसे ओपियम वगैरह भी बनाया जाता है, ओपियम ओपियम। ग्रीन मैन्योर क्या किया जाता है? डीकम्पोज, अगर ग्रीन को करें, ग्रीन लेग्यूम को करूँगा तो डीकम्पोज होकर ग्रीन मैन्योर बनाइए, खाद बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोव किसको बोलते हैं? क्लोव बोलते हैं फ्लावर के बड को, इस पार्ट को बोलते हैं, इस पार्ट को। नेक्स्ट है सैफ्रॉन, सैफ्रॉन क्या है? एक फ्लावर का स्टिग्मा वाला पॉइंट, ये वाला, ये पूरा लाइन है, स्टिग्मा वाला प्लांट है फ्लावर का, क्लियर। और एक और चीज, प्लांट का जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है उसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, ये तो सब तो चाहिए ही चाहिए, क्लियर। बस इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम इकोलॉजी डिस्कस करेंगे और उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व, क्योंकि यहाँ पे दिया था, मैं सोचा रिवाइज करवा दूंगा आप लोग, एक तो बायोस्फीयर रिजर्व और दूसरा वो वाला है जिसे यूनेस्को ने
यूनेस्को का वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में पार्ट मिला है, जो जो टोटल आई थिंक 11 है। क्लियर, उसको भी करवा दूंगा। क्लियर, उसके बाद हम फिर नाइट्रोजन साइकिल एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन, और उसके बाद पॉल्यूशन। तो दो वीडियो पहले है, उसके बाद है पॉल्यूशन। चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच। आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा, कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो मिनिमम करो, लेकिन करो, ट्राई करो बस। क्लियर, एक सेकेंड रुकना।